हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि। आज के टॉपिक में मैं दोस्तों आपके लिए लाया हूँ बेस्ट टायर्स फॉर एडवेंचर टूरिंग बाइक्स। दुनिया की सारी कंपनियां जो भी सुपर बाइक बनाती है वो सब इंडिया में आ चुकी है। कोई असेंबल कर रहा है इंडिया में, कोई इम्पोर्ट करके ला रहा है, तो आपको सारे बाइक्स इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया में एडवेंचर टूरिंग डेस्टिनेशन ज्यादा है, उसकी वजह से एडवेंचर टूरिंग बाइक्स की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है। ऐसा लगा कि मैंने एक वीडियो बनाना चाहिए एडवेंचर टूरिंग बाइक्स के लिए। दोस्तों जो टायर है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, वो है पिरेली का स्कॉर्पियन ट्रेल टू। ये है सक्सेसर पिरेली ट्रेल सीरीज का। फर्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियन ट्रेल था जिसके अंदर एक ही टायर में कंपनी ने ड्यूल कंपन बनाया था जो कि 190/55/17 था। लेकिन जो नया स्कॉर्पियन ट्रेल 2 है उसके अंदर कंपनी ने सारे रियर साइजेस में ड्यूल कंपाउंड टायर दिया है। और दोस्तों पिरेली क्लेम करता है ये दुनिया की पहली कंपनी है जिन्होंने डर्ट और टूरिंग का पहला टायर ड्यूल कंपाउंड में बनाया है। देखते हैं इस टायर की क्या खूबियां है। दोस्तों वीडियो चालू करने के पहले एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने पिरेली से कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं ली है इस वीडियो बनाने के लिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं दैट इज माई ओन रिसर्च। दोस्तों जो टायर हम देख रहे हैं आज पिरेली का स्कॉर्पियन ट्रेल 2, तो ये टायर कंपेटेबल है बीएमडब्ल्यू आर 1200 जीएस के साथ में, कावासाकी वर्सेस, ट्रायम टाइगर, डुकाटी का मल्टी स्टारा जिसमें ओईएम फिटमेंट में ये टायर लग के आता है, होंडा क्रॉस टूरर, केटीएम की जितनी भी एडवेंचर बाइक्स है उसके अंदर भी ये टायर आप लगा सकते हो, सुजुकी का वी स्ट्रॉम जो अभी रिसेंटली इंडिया में नया लॉन्च हुआ है उसमें भी ये टायर आप लगा सकते हो। दिस इज अ बेस्ट टायर फॉर एडवेंचर टूरिंग बाइक्स। देखते हैं क्या क्या खूबियां है इस टायर की। दोस्तों जो भी ये बाइक खरीदता है ये मोस्टली ऑन रोड ज्यादा चला है, इनकेस ऑफ नेसेसिटी वो ऑफ रोडिंग या थोड़ा डर्ट में चलाती है। मशीन्स, ये जितनी भी बाइक्स की बात कर रहा हूं मैं, वो सारी बाइक्स बहुत पावरफुल बाइक्स है। इसके अंदर काफी लोग नॉबी टायर्स लगाते हैं। नॉबी टायर्स लगाइए मत, क्योंकि नॉबी टायर्स लगाने से वो जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं। नॉबी टायर्स में और एक ड्रॉबैक है, वो अनइवन होने के बाद में आपको जो कंफर्ट है, जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है, वो ओरिजिनल परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि नॉबी टायर्स इस गाड़ियों में मत लगाए। काफी लोग ये सोचते हैं कि दीज आर एडवेंचर टूरिंग बाइक्स, तो उसके अंदर बटन पैटर्न के जो नॉबी टायर्स आते हैं काफी वो लोग लगाते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये नॉबी टायर्स आर ओनली मेंट टू बी फॉर ऑफ रोडिंग। अगर लेह लद्दाख जा रहे हो, लेट्स एग्जाम्पल इफ यू आर राइडिंग फ्रॉम मुंबई टू लेह लद्दाख, 90% आप जो ऑन रोड टूरिंग करने वाले हो, 10% जो लद्दाख का पैच है वो ही खाली आप ऑफ रोडिंग में चलाने वाले हो। So, उसमें ये टायर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। डर्ट के अंदर भी ये टायर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एक ऐसा टायर है जिसका कॉम्बिनेशन है ये डर्ट के लिए और आप टूरिंग के लिए, दोनों के लिए ये टायर चला सकते हो। ये टायर का अगर ट्रेड पैटर्न देखेंगे काफी अग्रेसिव ट्रेड पैटर्न है। ऑफ रोड ऑन रोड ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। वाटर इवैक्यूएशन के लिए बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया है इसके अंदर। सो वेट वेदर कंडीशन में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा ये टायर। ये जो ग्रूव्स देख रहे हैं आपको दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पिरेली ये ओपन ट्रेड पैटर्न जो दिख रहा है ये बहुत अच्छा हैंडलिंग देगा आपको, अच्छा कंफर्ट देगा, ग्रिप देगा और सभी राइडिंग कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करेगा। साथ ही साथ अच्छी स्टेबिलिटी भी देगा और हाई स्पीड में जब भी आप गाड़ी चलाते हो एक अच्छा कंफर्ट देगा और एक अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। कंपाउंड की बात करते हैं दोस्तों, कंपनी ने काफी अच्छा कंपाउंड बनाया है इसका। ये थोड़ा हार्ड है, ये स्टिकी नहीं है, इसके लिए ये टूरिंग के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये जो टायर है ये आपका ऑफ रोड में भी और डर्ट में भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। साथ ही साथ में आपको अच्छी स्टेबिलिटी देगा, राइडिंग कंफर्ट अच्छा देगा। आप जब भी हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग करते हो, सो कॉर्नरिंग जब भी कर रहे हो सो आपको अच्छा एक ग्रिप देगा। दोस्तों ये जो टायर बनाया है ये ऑल वेदर कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। शोल्डर ग्रूव्स जो है दोस्तों, शोल्डर ग्रूव्स आप देख सकते हो, ये वाटर इवैक्यूएशन के लिए अच्छा है। वेट वेदर कंडीशन में टायर अच्छा परफॉर्म करेगा। आप देख सकते हो आप दोस्तों, स्कॉर्पियन डिजाइन दिया है, दिस इज अ ट्रेड वेयर इंडिकेटर आप बोल सकते हो, शोल्डर में भी दिया है काफी जगह पे। दोस्तों ये डायरेक्शनल टायर है, जो आप जब फिटिंग करने के पहले आप मेक श्योर कीजिए कि ये डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में फिट हुआ है। रेटिंग की बात करते हैं दोस्तों, रेटिंग जो इस टायर की है दैट इज अ डब्ल्यू रेटेड टायर। सो डब्ल्यू रेटेड इज दिस टायर इज केपेबल ऑफ राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 270। प्लाइस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इसके अंदर कंपनी ने एक ल्यो सेल जो मेन ट्रेड पोर्शन में डाला है और एक स्टील डाला है, साइड वॉल में एक लो सेल का यूज किया है जो कि धागा है। पिंट्रेल 2 प्राइजेस की बात करते हैं, प्राइजेस जो है ये 14,000 से 20,000 तक है। मोस्टली सारी एडवेंचर बाइक्स के लिए टायर अवेलेबल है। टायर साइजेस जो अवेलेबल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। तो अगर आपके बाइक के टायर की प्राइजेस जाननी है तो आप विजिट कर सकते हो www.tyremarket.com पे। टायर मार्केट पे जाके आपके बाइक के टायर की इंक्वायरी कर सकते हो।
दोस्तों अगर आपको क्वेरीज है कोई भी टायर रिलेटेड, कोई भी बाइक के टायर रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, तो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले ही मिलेगा। राइडर्स प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।